99 में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। बिहार के भागलपुर में गरजे पीएम मोदी, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सेना को खुली छूट। गाजियाबाद, बिजनौर और बागपत से ईवीएम खराब होने की खबरें, मतदान हुए प्रभावित। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान का आरोप, बुरखे की आड़ में कराई जा रही है फर्जी वोटिंग, जांच की मांग। पहले चरण की 91 सीटों पर मतदान, आज मिलेगी जनादेश की पहली झलक। योगी आदित्यनाथ का राहुल पर हमला, कहा रैली में नहीं दिखते कांग्रेस के झंडे, सिर्फ दिखती है हरियाली। चीन उत्तर कोरिया ने खोली नई सीमा, परमाणु विकिरण की पहचान के लिए लगाया गेट। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने बुलाई आपात बैठक, यूएस समेत तमाम मुल्कों की नतीजों पर नजर। प्रशांत महासागर में मिला जापानी F-35 लड़ाकू विमान का मलबा, पायलट की तलाश जारी। फिलीपींस में वैज्ञानिकों को मिली इंसान की एक और प्रजाति, नाम है होमो लुजोनेसिस। पीएम मोदी के परम मित्र और दक्षिण पंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू जीत की ओर, पांचवी बार बन सकते हैं इजराइल के पीएम। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।